दोस्तों पिछले वीडियो में हमने दुनिया के सबसे बड़े जंगल यानी कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में कुछ बातें की थी, जैसे कि ये जंगल है कहाँ पे, ये कितने दूर में फैला हुआ है, किन किन देशों में फैला हुआ है और अमेज़न रेन फॉरेस्ट का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है और भी बहुत सारे चीजों पे हमने बात की थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं उस वीडियो का लिंक कॉमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में दे दूंगा, आप जाकर उसमें भी देख सकते हो। तो चलिए आज के हम इस वीडियो में अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल कर लो सब्सक्राइब, देन वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर से कर देना। वैसे आप सभी को तो पता ही होगा कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा जंगल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतना ज्यादा बड़ा है कि पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन तो ये अकेले प्रोड्यूस कर देता है, जिसके वजह से इसे पृथ्वी का हार्ट भी बोला जाता है। मैं आपको बता दूं कि अमेज़न जंगल इतना ज्यादा घना है कि वहाँ की जमीन तक सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुँच पाती है। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि अमेज़न जंगल कितना खतरनाक हो सकता है, उनमें कौन कौन से जानवर रहते हैं, कैसे कैसे जीव रहते हैं। तो इसी बात पे चलिए सबसे पहले अमेज़न जंगल के कुछ खतरनाक जानवरों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, बुलेट एंट। दोस्तों ये चींटी देखने में भले ही छोटी हो सकती है, लेकिन इसके छोटे कद को देखकर इसको नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये देखने में भले ही छोटी हो सकती है लेकिन ये होती उतनी ही ज्यादा खतरनाक है। हालांकि ये चींटी देखने में बिल्कुल एक सामान्य चींटियों की तरह ही लगती है, पर इनका काटना किसी बंदूक के गोली लगने के बराबर होता है। दोस्तों ये खतरनाक चींटी अमेज़न जंगलों के साथ साथ मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में भी पाई जाती है। हालांकि इन चींटियों के काटने के बाद आपकी मौत तो नहीं होगी, लेकिन इतना ज्यादा दर्द होगा जिसको आप सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब ये चींटी किसी को काट लेती है तो भाई साहब उसको पूरे 24 घंटे तक असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर आपको अमेज़न के अंदर कोई भी चींटी दिखे तो उसके पास जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। हालांकि इस खतरनाक जंगल के अंदर आप शायद ही जाना पसंद करोगे। नंबर 2, पिराना मछली। दोस्तों अमेज़न के आसपास के रहने वाले आदिवासियों के हिसाब से ये मछली उतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, लेकिन हम इसको नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक पिराना मछली द्वारा किए गए 30 हमलों में से हर एक इंसान की मौत हो जाती है। पिराना मछली अमेज़न के जंगलों में पाई जाती है। दोस्तों आमतौर पे हम सब ने इस मछली को फिल्मों में ही देखा है। पिराना मछली को दुनिया का सबसे खतरनाक मछलियों में से एक माना जाता है। आमतौर पे ये मछली इंसानों का शिकार करना पसंद नहीं करती है, लेकिन हम आपको बता दें कि लाल रंग के पेट वाली पिराना मछली अपने मजबूत जबड़े और नुकीली दांत के लिए जानी जाती है। दोस्तों आमतौर पे ये मछली ज्यादातर मरे हुए जीवों का ही शिकार करती है, लेकिन अगर उन मछलियों को पानी के अंदर ताजे खून का खुशबू मिल गया तो उनका शिकार करना तो पक्का है, चाहे वो कोई जानवर हो या फिर कोई इंसान हो, वो किसी को नहीं छोड़ती हैं, सभी को नोच नोच कर खा जाती हैं। नंबर 3, ग्रीन एनाकोंडा। दोस्तों इसके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस पे बहुत सारे मूवी भी बन चुकी है और ये कितना खतरनाक होता है ये तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। दोस्तों ये ग्रीन एनाकोंडा अमेज़न के रहने वाला एक खतरनाक शिकारियों में से एक माना जाता है, जिसकी लंबाई 9 मीटर और जिसकी चौड़ाई 12 इंच से भी ज्यादा होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भले ही ये ग्रीन एनाकोंडा देखने में बड़ा ही खतरनाक लगता है, लेकिन इसके अंदर जरा सा भी जहर नहीं होता है। यह एक नॉन वेनम स्नेक है, लेकिन यह अपने शिकार को जहर से भी ज्यादा खतरनाक दर्दनाक मौत देता है। दोस्तों आमतौर पे ये अपने शिकार का गर्दन को निशाना बनाता है, उसके बाद अपने शिकारी को बुरी तरह से अपने आप से जकड़ कर मार डालता है, उसके बाद निगल जाता है। दोस्तों एनाकोंडा खाना खाने के बाद वो अपने खाने को पचाने के लिए लगभग 5 से 7 दिन का समय लेता है, और मैं आपको बता दूं कि ये जमीन पे उतने फुर्तीले नहीं होते जितने कि ये पानी में होते हैं। एक बात और, ये पानी और दलदलों में रहना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 4, ब्लैक कैमन। दोस्तों ब्लैक कैमन एक मगरमच्छ की प्रजाति है। ये मगरमच्छ पानी के बहाव वाले इलाके और अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। ब्लैक कैमन को अमेज़न रेन फॉरेस्ट के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक माना जाता है, और ज्यादातर ये छोटे छोटे मछलियों का शिकार करना पसंद करता है। इसके अलावा कोई भी पक्षी या स्तनधारी जीव उसके सामने आ जाए तो भाई साहब ये उनको जिंदा चबा जाएगा। दोस्तों इस मगरमच्छ ने जनवरी 2008 से लेकर अक्टूबर 2013 तक तकरीबन 43 लोगों की जान ले ली थी, और दोस्तों कई बार तो ये एनाकोंडा जैसे खतरनाक जानवरों से भी लड़ जाता है। ब्लैक कैमन का रंग मिट्टी जैसा होता है, जिससे इन्हें छिपने में बड़ा ही आसानी होता है। ये जब
छिप जाते हैं तो अपने शिकार को जरा सा भी भनक तक नहीं होने देते और पल भर में अपने शिकार को ढेर कर देते हैं। इनके पास बड़े ही तेज धारदार दांत होते हैं जिससे कि ये किसी को भी पल भर में खत्म कर सकते हैं। नंबर 5, बॉयल वाटर रिवर, उबलते हुए पानी की नदी। दोस्तों हालांकि कोई ये जानवर नहीं है लेकिन ये किसी खतरनाक जानवर से कम भी नहीं है। दोस्तों एमेजॉन रेन फॉरेस्ट के अंदर ये बहुत ही खतरनाक नदी बहती है जिसका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। यानी कि जब आप इस नदी को बहते हुए देखोगे तो इसमें आपको नजर आएगा उबलते हुए पानी। अगर गलती से भी आप इस नदी के पानी में गिर जाते हो तो भाई साहब कुछ ही पलों में आपका बैगन का भरता बनना तो तय है। इस नदी के आसपास रहने वाले लोगों में से कोई अगर मर जाता है तो उसके शव को जलाते या दफनाते नहीं है बल्कि इस उबलते हुए नदी में फेंक देते हैं। दोस्तों वहाँ के कई लोग इसे स्वर्ग का द्वार भी बोलते हैं। वैसे दोस्तों आप में से कौन कौन जाना चाहेगा इस स्वर्ग में कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 6, एमेजॉन जायंट सेंटीपीड, जिसको हमारे यहाँ कान खजूरा भी बोला जाता है। दोस्तों ये एमेजॉन रेन फॉरेस्ट का एक प्रचलित कीड़ा है। यह जीव भारत में दिखने वाले कान खजूरे की एक प्रजाति है। दोस्तों सेंटीपीड को खासकर इसके बड़े आकार और ढेर सारी दिखने वाली पैरों की वजह से इसे जाना जाता है। एमेजोनियन जायंट सेंटीपीड की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर जितनी होती है। इस कीड़े को जब भी भूख लगती है तब ये अपने से छोटे जीवों को मारकर खा जाता है और कई बार तो सांपों और मेंढकों को भी नहीं छोड़ता है। दोस्तों ज्यादातर ये जीव रातों को ही शिकार करने बाहर निकलते हैं जिसके वजह से इनका सामना इंसानों से नहीं हो पाता है और गलती से भी अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे कि काटी हुई जगह पे बहुत ही तेज जलन होना, दर्द होना और भी वगैरह वगैरह। नंबर 7, हार्पी ईगल, जिसको हमारे यहाँ गरुड़ भी बोला जाता है। दोस्तों एमेजॉन जंगल के खतरनाक शिकारियों में से ये पक्षी भी एक है। यह ईगल बहुत ही ज्यादा फुर्तीला होता है और मैं आपको बता दूं कि ये पक्षी अपने से दोगुना वजन को लेकर अपने पंजे में दबाकर भाई साहब हवा में उड़ सकती है। इसकी पंख की लंबाई लगभग 3 फीट तक होती है और इनका वजन लगभग 5 से 7 केजी के बीच में होता है। दोस्तों ज्यादातर ये पक्षी बंदरों का शिकार करना पसंद करते हैं। नंबर 8, साउथ अफ्रीकन रैलेट स्नैक। दोस्तों इस सांप को दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है। ये सांप लैटिन अमेरिका में पाए जाते हैं। दोस्तों इनका जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि पल भर में किसी इंसान को ढेर कर सकता है। नंबर 9, बुल शार्क। दोस्तों बुल शार्क को दुनिया के सबसे खतरनाक शार्कों के श्रेणी में उच्च क्रम का दर्जा दिया गया है। ये शार्क आए दिन इंसानों पर किए गए हमलों की वजह से अक्सर ये चर्चा में रहती हैं। इनकी लंबाई लगभग 11 फीट के आसपास होती है और इनका वजन लगभग 700 पाउंड तक होता है। मैं आपको बता दूं कि बुल शार्क साफ पानी और नमकीन पानी दोनों में रह सकती हैं। एमेजॉन में रहने वाले सबसे खतरनाक जानवरों में से हम बुल शार्क को नंबर 1 पे रख सकते हैं क्योंकि यह शार्क इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसके रास्ते में आने वाले हर एक जीव को मार डालता है, जिंदा छोड़ता ही नहीं है भाई। चाहे वो इसी के प्रजाति के कोई शार्क क्यों ना हो उसको भी ये जिंदा नहीं छोड़ता है। वैसे ज्यादातर बुल शार्क डॉल्फिन, कछुए और पक्षियों को अपना शिकार बनाना पसंद करते हैं। नंबर 10, असेसिन बग, हत्यारा कीड़ा। दोस्तों ये अपने नाम की तरह ये बिल्कुल ही सही है, बताता हूँ कैसे। देखिए असेसिन बग नामक ये कीड़ा इंसानों के लिए तो उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है लेकिन इसी के प्रजाति के किसिंग बग नामक कीड़ा इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होता है क्योंकि जब ये कीड़ा किसी को काट लेता है तो उसे चगास बीमारी होता है जो कि बड़ा ही खतरनाक होता है जिसकी वजह से हर साल 12,000 लोगों की मौत हो जाती है। वैसे दोस्तों अभी तो एमेजॉन जंगल के 10 ही खतरनाक जानवरों के बारे में जान पाए हैं, अभी तो बहुत सारे इनसे भी खतरनाक जानवरों के बारे में जानना बाकी है लेकिन अगर अभी हम उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे तो ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं उन सब पे एक और वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि आप सभी को ये वाला वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जोर से कर देना, देन चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरा हर वीडियो आप जल्द से जल्द देख पाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।